नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रैक्टर किसान में। मेरा नाम प्रिंस चौहान और मैं पिछले 5 साल से बतौर सर्विस इंजीनियर ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं नए ट्रैक्टर के बारे में जिसका नाम है सोलिस। सोलिस एक प्रीमियम प्रोडक्ट है आईटीएल कंपनी का ही। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सोलिस के 4215 मॉडल के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इंजन इसका 3 सिलेंडर वाटर कूल्ड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन है। इस ट्रैक्टर की एचपी क्षमता है 43। इसका रेटेड आरपीएम है 1800 की अधिकतम खिंचाव क्षमता या टॉर्क 196 न्यूटन मीटर है। इसमें एयर क्लीनर ड्राई टाइप है सूखा जैसा और पीटीओ एचपी है इसकी 39.56। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में यानी गियरबॉक्स के बारे में। इसमें क्लच टाइप है डुअल और सिंगल ऑप्शनल में मिलता है। गियरबॉक्स टाइप इसका कांस्टेंट मैस है। शिफ्टिंग साइड शिफ्ट है, साइड में इसके लीवर्स हैं शिफ्ट करने के लिए। गियरबॉक्स में स्पीड्स अगर देखें तो 10 फॉरवर्ड की स्पीड है और 5 रिवर्स की स्पीड है। ट्रैक्टर की फॉरवर्ड स्पीड 2.7 से 37.2 किलोमीटर प्रति घंटे की मिलती है और इसमें जो पीटीओ की स्पीड है स्टैंडर्ड पे 540 आरपीएम मिलता है और ग्राउंड पीटीओ जब ट्रैक्टर मूव करता है तो अलग अलग गियर पे अलग अलग स्पीड्स मिलती है। अब हम बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग और ब्रेक्स के बारे में। स्टीयरिंग इसमें पावर स्टीयरिंग है और ब्रेक्स जो है वो मल्टीपल डिस्क के साथ ऑयल ब्रेक्स है। अब हम इस ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोलिक की लिफ्ट क्षमता जो है 1800 से 2000 कैटेगरी किलोग्राम की है और 3 पॉइंट लिंकेज की जो कैटेगरी है 2 कैटेगरी के इम्प्लीमेंट पड़ते हैं। हाइड्रोलिक कंट्रोल्स जो हैं इसके ADDC जैसे हैं कि जिसमें ऑटोमेटिक ड्राफ्ट और डेप्थ अपने मन से कंट्रोल होता है। मल्टीपल स्टेप्स यानी कि अनेक पायदान पर लिफ्ट का रुकना इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है। अब हम बात करते हैं टायर्स एंड डायमेंशंस के बारे में। इसका सबसे पहले अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 38 सेंटीमीटर। इस ट्रैक्टर की अगर चौड़ाई देखी जाए तो यह है 180 सेंटीमीटर टू व्हील ड्राइव के केस में और 184 सेंटीमीटर फोर व्हील ड्राइव के केस में। इस ट्रैक्टर के अगले टायर से पिछले टायर की सेंटर की अगर डिस्टेंस देखें तो 197 सेंटीमीटर टू व्हील ड्राइव के केस में और 208 सेंटीमीटर फोर व्हील ड्राइव के केस में। अब इस ट्रैक्टर के वजन के बारे में बात करेंगे तो टू व्हील ड्राइव के केस में इस ट्रैक्टर का वजन है 2070 केजी और फोर व्हील ड्राइव के केस में इस ट्रैक्टर का वजन है 2280 केजी। अगर हम बात करें टायर्स के बारे में तो टायर रियर में हमें मिलेगा 13/6/28 दोनों ही वेरिएंट में, चाहे टू व्हील ड्राइव हो चाहे फोर व्हील ड्राइव हो। और फ्रंट के टायर टू व्हील ड्राइव के केस में मिलेंगे 6/16 इंच के और फोर व्हील ड्राइव के केस में मिलेंगे 8/18 इंच के। ट्रैक्टर खरीदने से पहले हमें इसके कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। इनोवेशंस के मामले में और एस्थेटिक्स के मामले में, लुक्स के मामले में ये ट्रैक्टर का लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। इसकी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और DRL लाइट्स इंडस्ट्री में पहली हैं। इस ट्रैक्टर की एक और खासियत पर हम बात कर सकते हैं जो है इसकी सर्विस ड्यूरेशन। सभी ट्रैक्टर्स में सर्विस ड्यूरेशन जो है 250 घंटे का होता है। इस ट्रैक्टर में सर्विस ड्यूरेशन 500 घंटे का है और कंपनी ट्रैक्टर की 5 साल की वारंटी भी क्लेम करती है। बाकी इस ट्रैक्टर को अभी मार्केट में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1 ही साल हुआ है, तो इसके बारे में जैसे और टाइम निकलेगा हम और भी बात कर पाएंगे। इस ट्रैक्टर के बारे में अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और भी ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।